लास्ट लेक्चर में हमारा जो एंटीबायोटिक जो टॉपिक चल रहा था, उस एंटीबायोटिक टॉपिक के अंदर कुछ एक ड्रग्स के अपने एग्जांपल रह गए थे, जिसमें हमारे पास सल्फर ड्रग्स का एग्जांपल आता है। मेनली जो सल्फर ड्रग्स है, इनका यूज़ कोकाइन, जो कोकाइन इन्फेक्शन है, इनके अंदर इनको यूज़ में लिया जाता है। इनमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है, जैसे एग्जाम्पल हमने लिख रखा है यहाँ पर, सल्फेनिलेमाइड इसका एग्जाम्पल हो सकता है, सल्फा डाइजीन इसका एग्जाम्पल हो सकता है, सल्फा पीरिडीन इसका एग्जाम्पल हो सकता है, और इसके अलावा सल्फा थायाजोल भी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो ये हमारे पास सल्फर ड्रग्स के एग्जाम्पल है, और इसके साथ हमारा जो एंटीबायोटिक जो ड्रग्स टॉपिक था, वो एंटीबायोटिक ड्रग्स टॉपिक हमारा क्या हो गया, कम्प्लीट हो गया। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ड्रग्स है या जो मेडिसिन है, उसके अंदर हमारे पास एंटीसेप्टिक्स आते हैं। एंटीसेप्टिक क्या होते हैं? द केमिकल विच आइदर किल और प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट आर नॉट हार्मफुल टू लिविंग टिश्यू। तो एक ऐसे केमिकल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को या तो किल कर देंगे या उनकी ग्रोथ को रोक देते हैं, ऐसे केमिकल एंटीसेप्टिक हैं। बट ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो लिविंग टिश्यू है, इनके ऊपर इनका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है। तो ऐसे केमिकल या सब्सटेंसेस को अपने एंटीसेप्टिक नाम देते हैं। बेसिकली जो एंटीसेप्टिक जो केमिकल्स हैं, उनको लिविंग टिश्यू पर ही अप्लाई किया जाता है। लिविंग टिश्यू पर कैसे? जैसे अपने पास कई बार कोई कट लग जाता है, ठीक है, या कोई चोट लग जाती है, तो उस समय अपने उसके ऊपर कुछ ऐसा एक एंटीसेप्टिक केमिकल उसके ऊपर लगाते हैं, तो वो कट या जो चोट हमारे कहाँ लग रही है, अपने टिश्यू पर लग रही है, अपने हाथ पर लग गई, अपने पैर पर लग गया, या अपने चेहरे पर कोई कट लग गया, तो वहाँ पर अपने क्या करते हैं, वो हमारा एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग टिश्यू है, उसी के ऊपर अपने उन केमिकल्स को यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो बैक्टीरिया है, वायरस है, उनकी ग्रोथ को क्या कर देंगे, या तो रोक देंगे या उनको किल कर देंगे, लेकिन जो हमारा जो टिश्यू है, जो हमारी स्किन है, उसके ऊपर कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। जैसे अपने यहाँ पर एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे अपने जो टॉयलेट के अंदर कोई अगर यूज़ में लेते हैं, तो उसको अपने स्किन के ऊपर काम में नहीं ले सकते हैं। जैसे अपने फिनाइल है, तो फिनाइल को अपने स्किन पर नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अपने कह सकते हैं कि हार्मफुल एंटीसेप्टिक है, वो एंटीसेप्टिक के फॉर्म में अपने यूज़ में नहीं लिया जा सकता। तो एंटीसेप्टिक के फॉर्म में उन्हीं को यूज़ में लिया जा सकता है कि जो लिविंग टिश्यू के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसमें जैसे अपने कॉमनली एग्जांपल है, जो माउथ वॉश इसका एग्जांपल आ जाता है, डिओड्रेंट इसका एग्जांपल आ जाता है, टूथपेस्ट इसका एग्जांपल आ जाता है, टूथ पाउडर इसका एग्जांपल आ जाता है। तो ये नॉर्मली अपने एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज़ में लेते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो एंटीसेप्टिक है, इसके अलावा हमारे पास जो कॉमन एंटीसेप्टिक के अंदर जो एग्जांपल आता है, जैसे सोप के अंदर, साबुन के अंदर जो एंटीसेप्टिक जो सब्सटेंस या जो केमिकल यूज़ में लिया जाता है, वो हमारे पास बाईथायोनल है, ठीक है। तो बाईथायोनल को जो जो साबुन जो फंगस ट्रीटमेंट के लिए, जो अपने कई बार जो एलर्जी प्रॉब्लम, स्किन पर एलर्जी वगैरह हो जाती है, ठीक है, तो उनके लिए जो स्पेशल जो साबुन आती है, सोप आती है, उसके अंदर जो केमिकल है, एंटीसेप्टिक जो केमिकल होता है, वो बाईथायोनल उसके अंदर मिक्स किया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो डेटॉल है, तो डेटॉल क्या होता है, मिक्सचर ऑफ जाइलिनॉल और टर्पिनिथॉल को जो मिक्सचर होता है। तो डेटॉल दो केमिकल से मिलकर बना हुआ है, एक तो जाइलिनॉल से मिला है और एक इसके अंदर टर्पिनिथॉल, तो ये दो केमिकल डेटॉल के अंदर मिक्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है, डेटॉल्स के जो दो कंपोनेंट्स हैं उनके नाम अपने से पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर, तो वो हमारे पास दो इसके नाम हो गए, तो जाइलिनॉन हो गया और दूसरा टर्पिनिथॉल हो गया। तो ये डेटॉल के कंपोनेंट्स हो गए, इन दो कंपोनेंट से डेटॉल मिलकर बना हुआ है। इसके अलावा हमारे पास और एंटीसेप्टिक के जो एग्जाम्पल हैं, इसके अलावा हमको जो एग्जाम्पल दिया गया है बोरिक एसिड, तो बोरिक एसिड का जो मेनली जो एंटीसेप्टिक फॉर आइज, तो माइल्ड एंटीसेप्टिक है ये, जो आई इन्फेक्शन के अंदर अपने इसको बोरिक एसिड को यूज़ में लिया जाता है। इसके अलावा हमारे पास जो इसका एग्जांपल आ सकता है, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो टिंचर ऑफ आयोडीन क्या, एग्जाम में कई बार कुछ क्वेश्चन भी आया है इसके ऊपर, 2-3% सोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन एल्कोहल और वाटर। तो एल्कोहल या वाटर के अंदर आयोडीन का 2-3% जो सॉल्यूशन है आयोडीन का, उसको अपने टिंचर ऑफ आयोडीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक एंटीसेप्टिक के फॉर्म में, जो पहले जो ज़्यादातर इसको यूज़ में लिया जाता था। तो बोरिक एसिड किसके लिए आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है, तो बोरिक एसिड का जो यूज़ है वो आइस इन्फेक्शन के अंदर अपने बोरिक एसिड को यूज़ में लिया जाता है। तो ये हमारा जो टॉपिक था एंटीसेप्टिक्स, वो कम्प्लीट हो गया।
नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग्स है या जो मेडिसिन है वो एंटी हिस्टामिन ड्रग्स या इसको अपने एंटी एलर्जिक ड्रग्स अपने नाम दिया जा सकता है। तो एंटी एलर्जिक ड्रग्स कौन सी होती है, जो एलर्जी के अंदर यूजफुल जो ड्रग्स है, ठीक है, उनको अपने एंटी एलर्जिक ड्रग्स बोलते हैं। बेसिकली जो एलर्जी का जो मेन रीज़न होता है, वो एलर्जी का मेन रीज़न जो हमारी बॉडी के अंदर जो हिस्टामिन क्रिएट होता है, जो हिस्टामिन बनता है, उस हिस्टामिन के रीजन वजह से ही हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी बनती है, ठीक है। तो वो हिस्टामिन इज ए पोर्शन ऑफ वेस्टोलेटर्स, तो हिस्टामिन क्या करता है, हमारी बॉडी के अंदर एलर्जी जो सब्सटेंसेस है उनको जनरेट करता है। अब उससे होता है क्या कि हमारे जो स्किन्स है, जो लंग्स टिश्यू है या जो ब्लड टिश्यू है, उनके अंदर जो हिस्टामिन बनना शुरू हो जाता है। अब ये हिस्टामिन बनता कैसे है, तो हिस्टामिन बनने के लिए क्या होता है, जो हिस्टाडिन है, उस हिस्टाडिन का जो अल्फा अमीनो एसिड है, ठीक है, हिस्टाडिन एक्चुअल में क्या होता है, अल्फा अमीनो एसिड को अपने हिस्टाडिन जो नाम दिया गया है, इसके डीकार्बोक्सिलेशन से, ठीक है, हिस्टाडिन के डीकार्बोक्सिलेशन से अपनी बॉडी के अंदर क्या बन जाए, ज्यादा हिस्टामिन्स बन जाते हैं। तो ये जो हिस्टामिन्स जो बनेगा, तो जो एंटी एलर्जिक जो ड्रग्स है, वो एंटी एलर्जिक ड्रग्स इस हिस्टामिन्स के अगेंस्ट ही हमारी बॉडी के अंदर वर्क करती है। कि जो हिस्टामिन्स बन गया तो अपने एंटी एलर्जिक जो ड्रग्स लेंगे, जो मेडिसिन लेंगे, तो हमारी बॉडी में जो हिस्टामिन्स बना है इसके अगेंस्ट वो एंटी एलर्जिक ड्रग्स वर्क करना स्टार्ट कर देती है। अब एलर्जी के अंदर होता है कि स्किन रेशेज स्टार्ट होने जाती है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है, स्केल्स स्टार्ट हो जाते हैं, हीट स्टार्ट हो जाती है, या आपने कह सकते हैं राइनस आ जाती है, स्नीजिंग होती है, नेसल डिस्चार्ज होना लग जाता है, इचिंग ऑफ आई होना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिससे आपने क्या कई बार छींके आने लग जाती है, नाक से पानी पड़ने लग जाता है, आंख लाल हो जाती है या स्किन पर खुजली आने लग जाती है। तो ये सारे जो करेक्टरिस्टिक्स है वो एलर्जी के करेक्टरिस्टिक्स है। तो एलर्जी बनती किस वजह से है, अपनी बॉडी में जब हिस्टामिन केमिकल बनने लग जाएगा, और हिस्टामिन किस वजह से बना, हिस्टाडिन के डीकार्बोक्सिलेशन से क्या बनता है, हिस्टामिन बनता है। तो एंटी एलर्जिक जो ड्रग्स है इस हिस्टामिन के अगेंस्ट ही वर्क करती है। तो हमारी जो एंटी एलर्जिक ड्रग के जो एग्जाम्पल आ जाते हैं हमारे पास, वो आ जाता है ब्रोमफेनिरामिन एग्जाम्पल आ जाता है, इसको अपने डाइमेटेप नाम दिया जाता है, या क्लोरफेनिरामिन एग्जाम्पल आ जाता है, या हमारे पास आ जाता है इसका एग्जाम्पल टर्फेनाडिन एग्जाम्पल आ जाता है, इसको अपने सेल्डेन के नाम से जानते हैं, या हमारे पास जो एग्जाम्पल आ जाता है डाइफिनाइल हाइड्रामिन। तो ये जो सारे एंटी एलर्जिक ड्रग्स के एग्जाम्पल हैं, और एंटी एलर्जिक जो ड्रग्स है वो एलर्जी या अपनी बॉडी के अंदर, आपने कहा है कि कहाँ का हिस्टामिन बनता है, तो ब्लड टिश्यू के अंदर बनना शुरू हो जाता है ये, या हमारे पास ये अपने कह रहे हैं कि जो ब्लड टिश्यू के अलावा ये कहाँ बन सकता है, स्किन में बन सकता है, या जो लंग टिश्यू है वहाँ पर जो हिस्टामिन बनना स्टार्ट हो जाता है, तो उस समय अपने एंटी एलर्जिक ड्रग्स को यूज़ में लिया जाता है, ठीक है, जो क्या करता है, हिस्टामिन की फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। तो ये हमारे एंटी एलर्जिक ड्रग्स के कुछ एग्जाम्पल हो गए, किस तरह से बन रहा है वो हमारे पास इसमें आ गया। नेक्स्ट हमारे पास जो ड्रग या जो मेडिसिन है वो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स है। एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कौन सी होती है, द केमिकल विच रिड्यूस द फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव प्रॉपर्टी, या रिप्रोडक्टिव को जो कंट्रोल करती है, या जो फर्टिलिटी को जो कंट्रोल करती है, उन ड्रग्स को अपने एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहते हैं। इन एंटी फर्टिलिटी जो ड्रग है, इनका जो मेन एम जो है, वो मेन एम क्या है कि ये क्या करते हैं कि जो रिड्यूस द ग्रोविंग वर्ल्ड पॉपुलेशन, जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसको रिड्यूस करना, या जो बर्थ कंट्रोल के अंदर इसको मेनली इसको यूज़ में लिया जाता है, ठीक है। तो इन एंटी जो फर्टिलिटी जो ड्रग्स है, वो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स में बेसिकली जो फीमेल हार्मोन्स होते हैं, तो फीमेल हार्मोन्स कौन कौन से होते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन। तो इनके जो एंटी फर्टिलिटी जो ड्रग्स है उनमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोन हार्मोन्स के ही डेरिवेटिव्स होते हैं, जो फीमेल के मेंस्ट्रुअल साइकिल और एग फॉर्मेशन, जिसको अपने ओविलेशन बोलते हैं, इसको कंट्रोल करता है। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स का जो मेन वर्क है वो क्या करेगा, फीमेल मेंस्ट्रुअल साइकिल और ओविलेशन को कंट्रोल करने का जो वर्क है वो कौन कर रहा है, एंटी फर्टिलिटी ड्रग करता है। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल अपने लिए गए हैं, एक तो हमारे पास इसमें जो एग्जांपल आ रहा है वो नॉरथिनोड्रोन है। नॉरथिनोड्रोन जो है प्रोजेस्ट्रोन डेरिवेटिव्स, सिंथेटिक प्रोजेस्ट्रोन डेरिवेटिव्स होता है। इसी तरह से हमारे पास जो दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, एनाइलिन एस्ट्राडियोल, जिसको नोवेस्ट्रोल बोलते हैं, ये सिंथेटिक
एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स होते हैं। तो आपने यहाँ पर कहा था कि जो एंटी फर्टिलिटी जो ड्रग्स होती है वो ओवुलेशन या आपने कह रहे हैं कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है फीमेल को उसको कंट्रोल करती है। तो फीमेल जो हार्मोन दो होते हैं, एक तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, दूसरा कौन सा होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, तो उनका जो सिंथेटिक जो डेरिवेटिव है, प्रोजेस्टेरोन का सिंथेटिक डेरिवेटिव कौन हो गया, नोरिथ्रोड्रोन हो गया। इसी तरह से एस्ट्रोजन का जो सिंथेटिक डेरिवेटिव कौन हो गया, एथाइल लोनेस्ट्राडियोल हो गया, जिसको नोरिस्ट्रोन बोलते हैं। तो जो एंटी फर्टिलिटी ड्रग में बेसिकली ये दोनों ही हॉर्मोन्स प्रेजेंट होते हैं। जो नेचुरली जो एंटी फर्टिलिटी जो अपने यूज में लिया जा सकता है, फर्टाइल के अंदर यूज में लिया जा सकता है, उसमें पी, कॉटन, कैरेट, सोया सीड्स, इनको अपने एंटी फर्टिलिटी ड्रग के अंदर नेचुरली यूज में लिया जा सकता है। तो जो पी ऑयल है उसके अंदर हमारे पास बेसिकली इसमें कह सकते हैं कि जो पी ऑयल के अंदर अपने पास मेटाजाइलो हाइड्रोक्विनोन केमिकल प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा जो केमिकली अगर अपने बात करते हैं तो इसमें रूटीन इसका एग्जांपल आ जाता है, सिप्रोटिरोन इसका एग्जांपल आ जाता है, इसके अलावा हेक्सामेथिल फॉस्फेमाइड इसके एग्जांपल आ जाते हैं। तो ये एंटी फर्टिलिटी ड्रग के एग्जांपल है जिनको एज ए एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स के यूज़ में अपने फॉर्म में यूज़ में लिया सकता है। तो नेचुरल भी हो गए और इसमें केमिकल एंटी फर्टिलिटी अपने पास ड्रग इसमें एग्जाम यूज़ में आ सकते हैं, जो एग्जाम में पूछे भी जा सकते हैं, नेचुरली भी पूछे जा सकते हैं। पी ऑयल में पूछा जा सकता है कौन सा केमिकल प्रेजेंट होता है, तो पी ऑयल में कौन सा हो गया हमारे पास, मेटाजाइलो हाइड्रोक्विनोन केमिकल प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स हो गए। तो एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कंप्लीट होता है हमारे पास। लास्ट हमारी जो ड्रग है वो बचा है एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या होता है, या केमिकल विच आर यूज टू रिड्यूस द एसिडिटी ऑफ स्टमक एंड ब्रिंग पीएच लेवल टू न्यूट्रैलिटी। कि जो केमिकल हमारी स्टमक के एसिडिटी को रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है, कंट्रोल में लाते हैं, या जो पीएच लेवल को क्या कर देते हैं, न्यूट्रैलिटी की तरफ लेकर जाते हैं, उन केमिकल्स को अपने नाम क्या देते हैं, एंटा एसिड है। बेसिकली जो एंटा एसिड की जो पीएच रेंज होती है वो 7-8 के बीच की पीएच रेंज होती है। ठीक है, तो अपने कई बार क्या होता है कि ज़्यादा कोई जैसे अपने कई बार ज़्यादा ये जिसमें अपने ये मसाले वगैरह जो डाले हुए होते हैं, तो मसालों वाली जो चीज़ खा लेते हैं उसमें क्या हो जाता है, या ज़्यादा खाने से क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्टमक है उस स्टमक में जो एसिड जो सिक्रेशन है, एसिड सिक्रेशन हाई हो जाता है। तो ज़्यादा एसिड सिक्रेट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमारे स्टमक के अंदर एसिड की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो एसिड की वैल्यू बढ़ने को एसिडिटी नाम दे दिया जाता है। तो उस एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए, या जो बढ़ा हुआ जो पीएच लेवल है, जो अपने पीएच एसिड की तरफ बढ़ चुका है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको न्यूट्रलिटी की तरफ लेके जाने के लिए, या एसिडिटी को जो एसिड लेवल को रिड्यूस करने के लिए जिन केमिकल को यूज़ में लिया जाता है, वो केमिकल कौन से होते हैं, एंटा एसिड होते हैं। इनमें हमारे जो कॉमन जो एंटा एसिड के जो एग्जाम्पल आते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड आ सकता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट आ सकता है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आ सकता है, सोडियम बाइकार्बोनेट आ सकता है, इसके अलावा एल्यूमिनियम फॉस्फेट भी इसका एग्जांपल आ सकता है। तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट भी इसका एग्जांपल आ सकता है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को बेसिकली एंटा एसिड की फॉर्म में यूज में नहीं लिया जाता है। अब क्यों नहीं लेते हैं, कि जो सोडियम बाइकार्बोनेट है वो स्टमक में जाकर जो बेसिसिटी को बढ़ा देता है, तो बेसिसिटी जब जितना बेसिक नेचर बढ़ेगी तो हमारा जो स्टमक क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा एसिड को क्या करेगा, सिक्रीट करना स्टार्ट कर देगा। तो ये क्या करता है कि न्यूट्रलिटी की तरफ नहीं लेके जाएगा उसको, वो क्या करेगा, ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करने के लिए स्टमक को इम्यूलेट करना स्टार्ट कर देता है। तो इसलिए इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज़ में नहीं लिया जाता। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि इसको क्यों नहीं यूज़ में लिया जाता है, क्योंकि ये बेसिसिटी को बढ़ाएगा, तो जितना ज़्यादा अपने बेसिक नेचर इसकी बढ़ेगी, क्योंकि अपने माइल्ड एसिड को यूज़ में लेना है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड माइल्ड एसिड से थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, तो स्ट्रॉन्ग होने से ही क्या करेगा, अपने बेसिक नेचर को शो करेगा, और जितना स्टमक में बेसिक नेचर बढ़ेगी स्टमक क्या करेगा, उतना ज़्यादा जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, उसको सिक्रेट करना स्टार्ट कर देता है। तो वो न्यूट्रलिटी बहुत बाद में जाकर कंट्रोल हो पाती है, इस वजह से अपने इसको यूज़ में नहीं लेते हैं। इसी तरह से अपने केमिकली जो अपने पास सिमेटिडीन है, रेनिटिन है, तो रेनिटिन को जो अपने मार्केट में जेंटेक के नाम से जानते हैं, इसके अलावा ओमेप्रेजोल है, लेंसोप्रेजोल है, तो ये जो हमारे एग्जाम्पल किसके आते हैं, हमारे एंटा एसिड के एग्जाम्पल
आते हैं। तो ये हमारा एंटा एसिड जो टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ में अपने जो ड्रग्स या जो इस हमने पास जो चैप्टर जो चल रहा था केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के अंदर अपने जो चैप्टर कर रहे थे उसके अंदर हमारा जो ड्रग या जो मेडिसिन जो पार्ट है वो हमारा आज कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद में अपने नया जो पार्ट है उसका कल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब कई बच्चे ये अभी तक क्या है कि जिन्होंने अभी तक पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है, अपने यहाँ पर तीसरा चैप्टर ये चल रहा है, तो अभी अगर आप उनको नहीं करोगे कंप्लीट तो आपको बाद में प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं देख भी रहा हूँ, जैसे पहले मैंने जो क्वेश्चन दिए थे सॉलिड स्टेट के, 5 या 6 बच्चों ने अभी तक वो क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो इसका मतलब बाकी बच्चे जो लेक्चर को देख ही नहीं रहे हैं। तो नहीं देखेंगे तो उनका ही खुद का ही नुकसान है, हमारा तो कुछ इसमें नुकसान होना नहीं है। तो इसके लिए आप इनको क्वेश्चन को कीजिए, जो लेक्चर है उनको देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको फ़ायदा उठाइए। ये नहीं है कि घर पर सारा दिन, अब कई बच्चे सारा दिन पबजी खेलते रहते हैं, तो वो जब घर पर वालों से जो मोबाइल ले रहे हैं तो उस मोबाइल का जो मेनली यूज़ किस में कर रहे हैं, पबजी जैसे गेम खेलने के अंदर कर रहे हैं। तो ऐसे काम ना करें, कुछ टाइम स्टडी के अंदर भी दें। ज़्यादा हम भेज भी नहीं रहे आपको, एक दिन छोड़कर हम मैटर भेज रहे हैं केमिस्ट्री का, तो इसके लिए आप उसको कीजिए मैटर को। ये नहीं है कि सिर्फ सारा दिन उसी में चलते रहें, तो आपका जो बोर्ड एग्ज़ाम है अब टाइम कम होता जा रहा है जैसे जैसे, तो बोर्ड एग्ज़ाम आपके नज़दीक आ जाएंगे, क्योंकि स्कूल में टाइम अपने को बाद में कम मिलेगा। तो टाइम कम मिलेगा तो ये जो लेक्चर है वो आपके लिए बाद में यूज़फुल हो सकते हैं। तो इसके लिए इजी जो टॉपिक है वही अपने स्टार्ट कर रहे हैं, जो मेन टॉपिक है जो हार्ड टॉपिक है उनको अभी अपने यहाँ पर स्टार्ट नहीं कर रहे। इसीलिए कर रहे हैं कि आप इजीली इनको घर पर कर सकते हो, अपने लेवल पर भी आप इनको कर सकते हो। तो आप इनको कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है।